इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्लास 7 पार्ट 1। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। सी, न्यूट्रिएंट्स मेनली सप्लाई ऑफ द सबस्टांसेस विच गिव्स एनर्जी। न्यूट्रिएंट उसको कहते हैं जो शरीर में एनर्जी और ग्रोथ देता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें मेनली आता है फूड्स। द फूड्स आर द बायोकेमिकल सबस्टांस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सबस्टांस विच रिलीज एनर्जी लाइक द सुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। दिस कार्बोहाइड्रेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एनर्जी। अब सवाल उठता है कि शरीर में एनर्जी का क्या काम है? शरीर में हार्ट का जो मूवमेंट है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, और नए नए चीजों का, सबस्टांस का शरीर में निर्माण, वो सभी में एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट। हमें हमेशा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर एनर्जी पाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें राइस से मिलता है, चावल से, गेहूं से वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब हम खाना खाते हैं तो खाने में पाए जाने वाले पदार्थों में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में डिफरेंट टाइप के वर्क होने में मदद करता है। दूसरा हम आते हैं, दैट इज द फैट। फैट आर वाइल ग्लोब्यूल्स। ये अत्यधिक एनर्जी देता है। अब इस फैट में अगर हम देखते हैं तो जितने भी वाइल हैं, तेल, घी वगैरह जो है, सो हमारे शरीर के लिए वो भी जरूरी हैं। और फूड रिच फूड उसको कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का सही मात्रा हो। और तीसरा जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी पल्सेस हैं वो पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन दाल, दूध, मीट, मछली में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन टूट करके अमीनो एसिड में बदलते हैं। यही हजारों अमीनो एसिड मिलकर के एंजाइम का निर्माण करता है। ये एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जो अमीनो एसिड में पाया जाता है। ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स। और जो चौथा पदार्थ है वो है विटामिन एंड मिनरल्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फ्रूट्स। फलों से हमको विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं, इन्हीं सब को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट जो है जब हम खाना खाते हैं तो माउथ में सबसे पहले खाना जाता है, माउथ। वी टेक फूड फ्रॉम द माउथ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब ये सवाल उठता है कि मुंह में कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसको जब हम देखते हैं तो जो सबसे पहला काम है वो है टंग। टंग में टेस्ट ग्लैंड पाए जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग में टेस्ट ग्लैंड पाए जाते हैं। ये टेस्ट ग्लैंड शरीर में भोजन में पाए जाने वाले सॉल्ट्स, लवण का टेस्ट करते हैं। और टेस्ट से हमको पता चलता है कि इसमें कौन सा
स्वाद है। जैसे हम खाने में तीता, मीठा, खट्टा जो कुछ भी खाते हैं वो मुंह में जैसे हम डालते हैं वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और टेस्ट ग्लैंड का कनेक्शन सीधे ब्रेन से रहता है। एज सून एज वी जो ही हम मुंह में खाद्य पदार्थ रखते हैं, खाना रखते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसमें मीठा है, खट्टा है, तीता है। दूसरा जो चीज है वो है टीथ। टीथ जो है सो हमारे मुंह में पाए जाते हैं और ये टीथ ग्राइंडिंग का काम करते हैं, सी पीसने का काम करते हैं। टीथ पीसने का काम करते हैं, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये दांत जो है सो चिवाने का काम करते हैं, खाना के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। देखिए एक बार और देखें, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर। डाइजेशन जब मनुष्य में होता है तो ये सभी प्रकार के जो टीथ हैं, दांत हैं, उनको चिवाने में मदद करता है। चबाने के चलते क्या होता है कि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और खाना छोटे टुकड़ों में बदल जाने के कारण वो सलाइवा से मिलता है। एक बार पुनः हम देखें सलाइवा जो है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, गाल के जस्ट बगल में ऊपर और नीचे सलाइवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा निकलता है और सलाइवा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के बाद ये धीरे से ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे खाना धीरे 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 स्टोमक में आता है, लेकिन ये आने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना नीचे आता है, धीरे 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 स्टोमक में आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि खाना स्टोमक में आने के बाद क्या होता है, तो पिसा हुआ खाना मुंह से धीरे धीरे ग्राइंडिंग होने के बाद ये ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में आने के बाद, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद ये स्टोमक में आता है। स्टोमक जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं और डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के खाना में जो पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे कणों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये धीरे धीरे टूटने के बाद विभिन्न प्रकार के अवयव पदार्थों में बदल जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पदार्थ शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। द डाइजेस्टेड फूड्स स्टोमक में पूरा डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन हाफ होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं दीवाल पर, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाने से दीवाल का क्षति होने की संभावना रहती है, इसलिए दीवाल क्षति नहीं हो तो यहाँ पर म्यूकस का एक लेप पाया जाता है जिससे स्टोमक की ये जो दीवाल है उनकी रक्षा होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटीन ब्रेक्स एंड फॉर्म्स पेप्टोन्स।
प्रोटीन ब्रेक प्रोटीन टूटता है और पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। लाइपेज जो है सो एक एंजाइम है, वो फैट को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये सब प्रक्रिया अनावरत रूप से चलती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि इन प्रक्रिया में केवल खाना इसोफेगस से, पहला चीज के माउथ, माउथ से इसोफेगस के द्वारा आने पर यह स्टोमक में आता है। पहला डाइजेशन का पार्ट स्टोमक में होता है जो एसिडिक मीडिया है। एसिडिक मीडिया का अर्थ ये हुआ कि इसमें पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते मीडिया एसिडिक हुआ और पेप्सिन लाइपेज नाम का एंजाइम काम करता है। लेकिन सबसे पहला जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? माउथ में। पहला डाइजेशन माउथ में होता है जिसमें एक एंजाइम पाई जाती है लार में, सलाइवा में, अल्फा अमाइलेज या टाइलीन। ये एंजाइम पहला डाइजेशन यहाँ करता है जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदलता है और वहां से खाना यहाँ आता है। तब हम देखते हैं कि डाइजेशन सबसे पहले माउथ में, उसके बाद स्टोमक में होते हैं। इसी को हम डाइजेशन का पहला पार्ट कहते हैं। यहाँ हम देखें सब लिंगुअल ग्लैंड पाए जाते हैं माउथ में, वहाँ ही सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं जिससे सलाइवा धीरे धीरे माउथ में आकर के और ये टंग में, टंग और टीथ के मदद से चबाने का काम करता है, जिससे हमको पता चलता है कि भोजन में क्या क्या टेस्ट है। थैंक यू।